everyone, so very 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 happy Diwali to all of you. So today I'm going to make a rangoli. रंगोली तो मैं बनाऊंगी और इसलिए मैं ज्यादा तैयार थी नहीं हुई दिवाली वाले दिन भी. अभी आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल पजामे में मैं खड़ी हूँ. और क्योंकि आपको पता है कि ड्रेसेस वगैरह खराब हो जाती है रंगोली बनाते टाइम, ये ऐसे ही होता है कि बस स्टाइल मारने के लिए बस ऐसे बैठ के पिक्स खिंचाई जाती है. बट बनानी है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है. तो मैं नॉर्मल अपने नाइट सूट में हूँ अभी. तो अभी पहले रंगोली बना लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग रेडी होंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब कैमरा को एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को मैं पूरी तरह से देखूँ. मुझे जो जगह मिली है रंगोली वाली वो ये वाली मिली है. ठीक है, तो मैंने एक चीज सीखी थी, एक देखी थी एक्चुअली मैंने. उसमें ऐसे था कि कुछ ना बैंगल से उन लोगों ने रंगोली का पूरा किया हुआ था. तो वैसे ही मैं भी अब ट्राई करने लगी हूँ. जैसे आप नॉर्मली यूट्यूब से देख के या फिर कहीं से भी देख के आप लोग ट्राई करते हो कोई नई चीज, तो मैं भी एक ट्राई करने लगी हूँ. तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि आपको चाहिए होंगी बैंगल्स. ठीक है, मेरे पास ये बैंगल्स पड़ी थी ऐसी, और ये बट ना सेम साइज की होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सेम साइज की होनी चाहिए. और फिर कलर्स वगैरह तो है मेरे पास पहले से ही. मैं आपको कलर्स भी दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन से कलर के हैं. मेनली कलर्स ये सारे के सारे, ये देखो ये सारे जो कलर्स हैं ये वाले कलर के हैं. और मेरे पास एक्स्ट्रा कलर्स भी अवेलेबल हैं. और ये दो चॉक्स भी ले लिया, अगर बाय चांस ये वाली ना बनी तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा. और साथ में मैं अपना कोई ना कोई रखती हूँ ये कपड़ा सा, ताकि मैं उसको साफ कर सकूँ अच्छी तरह से. और नाउ लेट्स स्टार्ट. ठीक है, देखते हैं कि कैसी कैसी बनती है. राइट, अब इसको पीछे करते हैं अपने वाले को. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये बोला था कि बीच में ये लगा के बैंगल्स वगैरह इसको ना पहले फ्लावर की शेप में अरेंज करना है. तो मैं इसको फ्लावर की शेप में पहले अरेंज कर देती हूँ. और अरेंज करके ना मैं आपको एक बार कैमरा से पूरा डायरेक्टली बता भी दूंगी, ताकि आप लोग भी अगर बन गई बाय चांस तो अच्छी बात ही है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो. कोई भी कलर की बैंगल हो उससे कुछ नहीं चलता, क्योंकि हमें बैंगल्स नहीं चाहिए. हमें ना एक्चुअली इसका बस वही वाला जो कवर, मतलब कि उसका डिजाइन सा होता है, बस वही वाला चाहिए. मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसी वाली है ये. ये देखो इस तरह से पहले मैंने बैंगल्स वाली बिल्कुल इस तरह से रेडी कर लिया है. बट ये देखो अब मैंने इसको तो साइड साइड पे सारा का सारा कर लिया है. अब मैं इसकी थोड़ी फिनिशिंग सी कर देती हूँ, ताकि ना ये थोड़ा ज्यादा वो साइड साइड से गंदा सा लग रहा है. बट लास्ट में हम फिनिशिंग तो कर ही सकते हैं, बट इतनी देर थोड़ा थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं. तो उसमें ये बोला था कि इसको निकाल के उसके बाद जब आपके सर्कल से ये कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको ना चूड़ियों को ऐसे निकालना है इसमें से. ठीक है, तो मैं इसको निकाल के अब साइड पे रखी जाती हूँ. देखो मैं साइड पे साथ साथ में रखूंगी इसको निकाल के. लेट्स सी, वो सर्कल सर्कल वाली अपीयरेंस तो मेनली हमें मिल ही जाएगी, है ना. सर्कल वाली तो मिल ही जाएगी. मैं सारी की सारी इसी तरह से निकाल देती हूँ. यार मुझे थोड़ा डर सा भी लग रहा है, क्योंकि ना ये मैंने एक्चुअली में जब भी कभी भी रंगोली बनाई है ना, कुछ भी मैं सर्कल सर्कल से बना देती थी, कुछ भी मैं कर देती होती थी. बट इस बार मैंने ना थोड़ा सा डिफरेंट सा किया है काम. ये देखो अभी इस तरह से मेरे पास सर्कल तो बन गए. ये वाला पोर्शन तो हो गया, जो बाकी का सारा फिनिशिंग वगैरह वो मैं कर दूंगी. वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आगे उन्होंने क्या क्या सिखाया था. ठीक है, तो अब तो थोड़ी ठंड सी लगती है, मैं सॉक्स भी पहन आई हूँ. ठीक है, ये हो गया. फिर उन्होंने कहा था कि हमें ना दूसरे वाले सर्कल से इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रखना था. मुझे प्रॉपरली अब याद नहीं आ रही वैसे वो चीज. हाँ, आगे फिर जैसे कि अगर ये है सर्कल्स में, मैं आपको ना रख के बताती हूँ, पूरा का पूरा शो करूंगी, उससे आपको ना एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि किस तरह से रखना है. मेरे को समझना तो थोड़ा सा मुश्किल ही बार लगता है, क्योंकि मेरे को ना एक्चुअल में इतना ज्यादा ये ड्राइंग वाली चीजें अच्छी तरह से नहीं आती. मैंने आपको पिछले वाले अपने व्लॉग में भी बताया था. तो इस तरह से आई थिंक सो हर एक एंड पे ना, वन सेकेंड में आपको शो भी कर देती हूँ. हर एक एंड पे ना आपको इस तरह से ये रख लेनी है उसके बाद में बैंगल्स. ठीक है, बैंगल्स को इस तरह से रखने के बाद क्या करना है वो भी जस्ट बताती हूँ, कि उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है. तो करके फिर मैं अभी बताती हूँ. ठीक है, हाँ जाओ.
मैं आपको यहीं से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। उसमें ना येलो कलर उन्होंने यूज़ किया था, तो मेरे पास येलो कलर भी पड़ा है। तो येलो कलर से ना उन्होंने यहाँ पर ना सर्कल सर्कल से बनाए थे, मतलब इस तरह से सर्कल बनाए थे वैसे, बट सर्कल तो मेरे से थोड़े से मुश्किल से बन रहे हैं। मैं ना डिफरेंट डिफरेंट कलर का थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, है ना। सर्कल तो मुझे थोड़े से डिफरेंट से लगते हैं, मुझे लगता है कि ये वाला कलर इसके साथ मैच करेगा, सुंदर लगेगा, है ना। तो एक इसका दे देती हूँ और एक इसका कलर का कर देती हूँ, है ना। और ऐसे कर करके मैं आपको पूरा का पूरा बताती हूँ कि आपको इस तरह से कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये वाली तो मैंने कंप्लीट कर ली। मैंने बोला था कि मैं एक कंट्रास्ट से कलर में करूंगी, तो मैंने ब्लू और येलो को उन्होंने ना बताया किया हुआ था, उन्होंने सर्कल में किया हुआ था, बट मेरे पास सर्कल वाला कोई काम नहीं था क्योंकि मेरे जो कलर्स हैं वो बुरा वाले हैं और उन्होंने उनके पास होली वाले कलर्स थे, है ना। तो वो स्मूथ होता है तो उससे तो सर्कल भी प्रॉपरली बन सकता है। बट मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके बस ऐसे से एक पहले पर्पल का, फिर एक पहले येलो, पर्पल येलो, इस तरह से कर दिया मैंने पूरा का पूरा, और इस तरह से पहले बन गया। और उन लोगों ने पता क्या बोला था, उन लोगों ने बोला फिर उसके बाद में कि हम लोगों को करना है इसको उठा लेना है, ठीक है। ये देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। मेरे को खुद हैरानी हो रही है वैसे कि कैसे बन गया है ये थोड़ा बहुत। अब बट मेन तो इसके बाद ही पता चलेगा। यार मुझे डर लग रहा है इसको उठाने के लिए दूसरे वाले को, क्योंकि थोड़ा हिल रहा है। कोई बात नहीं, ये थोड़ी थोड़ी जो मेस क्रिएट होती है वो हम लोग तो बाद में भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो हम एटलीस्ट अच्छी तरह से अभी इसको तो उठा ही सकते हैं, है ना। ये देखो इसी तरह से आप लोगों को भी इसको बहुत ही पेशेंस और बहुत ही आराम से इसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा सा इधर उधर हुआ तो देखो इतना रेडी हो गया। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला था इसमें कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ना इसको फिर ना कुछ इस तरह से ना कुछ नीडल से करना था, बट नीडल नूडल मेरे पास नहीं है, मेरे से नहीं इतना काम होता नीडल वाला, तो मैं ऐसे ट्राई करके देखती हूँ किसी कैसे और भी शो करती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि इसको ना फिर उसके बाद में इस तरह से कुछ करना था, ठीक है। मैं हर एक कलर का ऐसे करके देख लेती हूँ, उसके बाद में जब खराब हो गया तो वही कुछ नहीं होता, हमने एटलीस्ट ट्राई तो करनी है ना नई चीज़। वैसे ये ठीक हो जाएगा क्योंकि ये मिक्स कलर बनेगा, फिर उसके बाद में इसके जब अंदर कलर हो जाएगा ना तो वो और ज़्यादा ये शेडी सा एक्सपीरियंस देगा उस चीज़ को, ठीक है। लेट्स ट्राई कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो डरने का नहीं, जस्ट करने का। इसी तरह से मैं सारे के सारे इसको कंप्लीट कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करती हूँ इसको कंप्लीट। अब इसका तो हमने नहीं किया था, है ना, इसको भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखो वाव, ये कितना ही अच्छा सा पैटर्न बन गया है ना इसका ऐसे करके। अब इसको अगला वाला क्या करना है आपको बताती हूँ। पहले मैं अपना जरा कैमरा एडजस्ट कर लूँ, फिर से खुद की अपनी शक्ल दिखा लूँ, ठीक है। तो मैंने इतना तो कर लिया। अब इसके बाद में ना उन्होंने किया था, इसके बीच में भी ना कलर्स डाले हुए थे, तो मेरे पास एक पिंक कलर है। पिंक कलर काफी ज्यादा क्यूट सा कलर लगता है और साथ में काफी ब्राइट सा होता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसी के बीच में मैं ना ये सारा का सारा ये फिल कर देती हूँ, ठीक है। तो वो इससे एक शेडी सा एक्सपीरियंस सा मिल जाएगा और साथ ही साथ में एक जो पेटल सा होता है ना वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है इसमें। आप लोग रंगोली बनाते हो? नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर किसी के पास और डिजाइन हो तो वो मुझे प्लीज शेयर करना, ठीक है जी। तो देखो मैंने ये बीच वाला तो पूरा का पूरा ट्राई कर लिया है। अब मैं आपको इसको शो करती हूँ कि क्या है ये। ये देखो, अब देखो, अब दिवाली मांगने वाले भी पीछे आ गए हैं, अब उनको पहले देख के आता हूँ। आई एम बैक नाउ। और देखो मैंने ना इसमें क्या किया है, इस सर्कल सर्कल्स में ना मैंने ग्रीन ग्रीन कलर इसमें फिल किया है थोड़ा थोड़ा सा करके ना। तो इसमें तो उन्होंने काफी वो कीप वगैरह से किया हुआ था, बट मैंने उससे नहीं करना। और इसमें थोड़ा सा मैं खुद का ट्विस्ट भी दे दूंगी बाद में, क्योंकि मुझे खुद का ट्विस्ट देने की बहुत गंदी आदत है हर जगह, बट मेरे को मजा आता है इस चीज में, ठीक है। तो
ये हो गया हमारा ये वाला। अब मुझे क्या करना है, मुझे व्हाइट व्हाइट के जो बीच वाली जगह है उसको भी थोड़ा सा कंप्लीट करना है। तो मेरा मन है कि मैं थोड़ा रेड, अब मेरे पास रेड कलर भी, बेचारा रेड गुस्सा हो जाएगा कि मेरे को तो यूज ही नहीं किया है ना, तो मैं रेड को यूज कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब मैं रेड को ना इसके आर पार इस तरह से बहुत ध्यान से फिल कर लेती हूँ, और आप भी इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए वैसे एक बार इसको, ये काफी ज्यादा सिंपल है। पहले मुझे डर लग रहा था, अगर मैं ट्राई कर सकती हूँ मेरे से बन सकती है, तो आप लोगों से तो वैसे ही बन सकती है ये, है ना। तो मैं इसको पहले फिल कर लेती हूँ। मैं ये जो अपना व्लॉग्स हैं वो अलग अलग से बिल्कुल दूंगी, ताकि ये वाला जो रंगोली वाला है इसमें आप रंगोली आराम से बना के सीख सको और बना सको, क्योंकि ये बन नहीं जाएगी ऑब्वियसली ठीक ठीक, है ना। तो फिर इसलिए ऐसे करती हूँ कि इसको पलट करके पूरा का पूरा फिर आपसे दोबारा से मिलते हो। तो इसको तो मैंने सारा का सारा फिल कर लिया है। अब जो इसके अराउंड ये वाली प्लेसेस है ना, इसको भी मेरे को पूरा कलर करना अच्छी तरह से। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से कलर से करूं, और येलो तो मुझे लगता है कि वो फिर वो येलो येलो बाद वाला हो जाएगा, रेड तो हमने अंदर कर दिया वो भी नहीं लगा, ब्लू भी मुझे नहीं लगता, ग्रीन पिंक अदर पिंक पर उसके साइड पे है ना, पिंक नहीं ठीक लगा, तो ग्रीन कर लेते हैं है ना, ग्रीन ट्राई करके। पर ग्रीन भी उसके बाद, फिर उसके बाद वैसा लगेगा। मुझे लगता है कि हमें ग्रीन ही कर लेना चाहिए, ग्रीन ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा मुझे फिल करना है जो वो ग्रीन से करना है, ठीक है। इसके सारे एंड्स वगैरह सब बीच में सारा का सारा मुझे इसमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन वाला, ठीक है। मैं ग्रीन कलर सारा फिल कर लूँगी, और उसके बाद ना मैं आपको अपनी कलाकारी इसमें इंक्लूड कर दूँगी, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी उसमें तो जस्ट इतना ही कंप्लीट पूरा का पूरा हो गया था। इसको फिल करके पूरा का पूरा फिर हम लोग चेक करते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखो सारा का सारा फिल कर दिया, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसको मैं सोच रही हूँ कि एक और डिज़ाइन इसमें कवर अप करूं, जैसे अगर उन्होंने इसमें बैंगल्स हैं हम लोगों को सिखाया, तो हम लोग और भी बैंगल्स इंक्लूड करके इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज कर दूं हर एक यहाँ पर, तो वो थोड़ी और बड़ी होगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो मैं उतनी बड़ी रंगोली तो बना ही सकती हूँ, है ना। तो क्यों ना बनाई जाए फिर, राइट। तो मैं इसी तरह से जो मेरे पास बैंगल्स पड़ी हैं वो इसके बीच में इंक्लूड करके, फिर कोई और कॉम्बिनेशन करके मिक्सा करके, और वो पूरा का पूरा बनाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूँ आप मेरे को बताओ, है ना। जैसे अगर बीच में ग्रीन और रेड है, तो हम यहाँ पर अब ग्रीन और रेड यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम ऐसे करते हैं, या फिर ऐसे करते हैं येलो और पिंक यूज करते हैं, है ना। वो ज्यादा कुछ नया सा लुक देगा, है ना। येलो और ये करते हैं। सिमिलरली हम लोगों को इसमें भी यही चीज करनी है, पहले एक पिंक का रख लिया जैसे, फिर उसके बाद में एक येलो का, ठीक है। फिर इसी तरह से पिंक का रख लिया, फिर एक येलो का, ये देखो इस तरह से करके पहले सारा का सारा कवर अप करके, फिर उसके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से उसको कवर अप सारा का सारा करना है, कैसे पूरा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद इसी तरह से हम लोग करके कुछ ना कुछ फिर बताती हूँ। एक्चुअली मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मुझे भी प्रॉपरली नहीं पता ये क्या बनेगा, बट लेट्स ट्राई कि क्या चीज़ बनती है, ठीक है। सो अभी करते हैं ट्राई। देखो अब मैंने सारा का सारा इसके अराउंड कर लिया है, मैंने पिंक और साथ में येलो का किया है इस बारी, ठीक है। तो हम सिमिलरली इसमें से भी अब ये जो चूड़ियाँ हैं ये निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका भी एक अलग सी शेड वाला जो है वो कलर सब कुछ करेंगे, ठीक है। इसको पहले हम लोग निकाल लेंगे इन चूड़ियों को, बड़ी पेशेंस से निकालनी क्योंकि सारी फैल फूल ना जाए, ठीक है। सेम वैसे ही करना है। ये देखो ये निकाल ली ना हम लोगों ने, सारी चूड़ियाँ निकाल ली। अब सिमिलरली जैसे हम लोग इसमें एक अलग सा ही शेड डालने को किया था, वैसे ही हमने इसमें भी करना है। तो इसी तरह से देखो किया था, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से कुछ भी आप अपनी एक जो फिंगर है जो उसके साथ आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो कितना सुंदर सा ये साथ में आ रहा है, कुछ भी इसका डिज़ाइन सा इस तरह से क्रिएट करके यू कैन डू इट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी। अगर मैं बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकता है, मैं बार बार ही बोल रही हूँ, ठीक है। और हर एक कलर को आपने एक एक बारी उंगली देनी है अपनी जस्ट।
ठीक है, ताकि एक ना अलग सा ही ये वाला चीज आ जाए, और बड़े नॉर्मली रखना है, कोई खराब नहीं होगा। मेरे को भी पहले डर लग रहा था कि खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया था, पहली बारी ट्राई कर रही हूँ मैं इसको। बट जब मैंने ट्राई किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने ना पिन से किया हुआ था, तो मुझे पता चला कि यार इतना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और इसके अंदर अब मैं जो कलर फिल करूंगी वो मैं करूंगी, मैं सोच रही हूँ। ओ पहले एक तो रह गया सच, है ना, एक तो रह गया, एक को भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ये भी चलो कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट चीज हो गई। अब इसके अंदर मुझे एक कलर फिल करना है, और वो जो कलर है मैं सोच रही हूँ कि उसको ग्रीन फिल करती हूँ, क्योंकि ग्रीन जो है वो इसको सबको वो देगा, है ना। हमने थोड़ा ज्यादा ज्यादा से कलर इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है, ठीक है। अगर हो सके वैसे इसको ना कवर अप कर दो, ताकि वो ज्यादा सुंदर सा, मुझे लगता है कि वो एक अलग सी चीज आ जाएगी, कि इसके साथ कनेक्टेड है तो पूरा कनेक्टेड सा शो होगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर भी इसको भी एक कनेक्टेड सा शो किया है, बिल्कुल इसमें भी किया है। ये पूरी दिवाली वाली जो तैयारियां है उसका जो पूरा व्लॉग है मैं इकट्ठा नहीं डालूंगी, क्योंकि इकट्ठा डाल दूंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या सीखें क्या ना सीखें उस चीज़ से, ठीक है जी। तो ये अभी तक का तो कंप्लीट हो गया, अब मुझे इसको और भी ज़्यादा बड़ा करना है। बट उससे पहले मेरे को थोड़ी सी ना इसकी और लुक अच्छी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या ना, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी सारा सुंदर लग रहा है, मेरे पास कलर्स काफ़ी सारे पड़े हैं, तो आई कैन डू, है ना, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ। तो मेरे को लगता है कि पहले मुझे ना इसको एक आउटलाइन सा दे देना चाहिए, है ना, या एक आउटलाइन, या फिर इन दोनों के बीच में एक कुछ अलग सी चीज़ करके एक पूरा का पूरा वो सर्कल सा बनाना चाहिए, है ना। चलो मैं ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद ना मैंने इसके सारी आउटलाइन ना रेड रेड से कर दी है। अब मैं सोच रही हूँ उसमें डबल ट्रिपल शेड कर, जैसे रेनबो स्टाइल सा होता है, हर एक कलर का वो एक एक शेड कर देती हूँ। तो इसके बाद ना मैं सोच रही हूँ इसकी आउटलाइनिंग जो है वो ब्लू से कर देती हूँ, है ना, ब्लू से आउटलाइनिंग कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसकी इसी तरह से ये पहले हर एक कलर का हो जाएगा, फिर उसके बाद एक और ट्विस्ट सा देंगे इसको, ठीक है, वो और ज़्यादा सुंदर बन के आएगी ये रंगोली, काफ़ी सुंदर बन जाएगी। मेरे को फ्लावर्स वगैरह चीज़ें ये वैसे ही बहुत पसंद है, तो ये सारी फ्लारी फ्लारी सी है। मेरे को एक्चुअली मम्मा ने ये दिया था, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बना देती थी खुद से ही, और ये इस बारी जो है वो खुद से काफ़ी अच्छी चीज़ बन रही है। और मम्मा ने वो बोला था कि यूट्यूब से वैन देख ले थोड़ा सा फिर बनाइयो, फिर मैंने वही ट्राई करके इस बारी बनाया है। तो लेट्स सी कि अभी ये पूरा का पूरा जब बन के वो सारा का सारा कैसा बनता है, ठीक है। मैं इसकी आउटलाइनिंग करती हूँ, फिर मैं पूरा करती हूँ उसके बाद। मैंने इसको ब्लू की भी आउटलाइनिंग कर ली है, अब मैं सोच रही हूँ किसी और कलर की करूँ, और येलो कलर मुझे लगता है इसके लिए परफेक्ट रहेगा। तो मैं अब येलो की जो आउटलाइनिंग है वो सारी की सारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को हर एक कलर की पहले एक आउटलाइनिंग चाहिए, फिर उसके बाद में मैंने एक और चीज़ का सोचा है इसको करने का। मेरे पास काफ़ी सारे कलर है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे के सारे जो कलर्स हैं वो यूटिलाइज करूँ, क्योंकि एक पैकेट है तो मेरे को पूरा ही यूज़ करना है। और ये नहीं है कि सिर्फ आप दिवाली में ही बना सकते हो, किसी भी ओकेजन पे आप बना सकते हो। अब देखो जैसे टिक्का आ रहा है, भाई दूज वगैरह जो भी बोलते हैं आप लोग, तो उस पर भी यू कैन मेक, और वैसे भी अगर कभी कभी बनानी हो तो यू कैन। और यार काफ़ी मज़ा आता है वैसे, दिवाली वाला फेस्टिवल तो मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट वाला है, और यही सारा का सारा मैं करके फिर करती हूँ उसको, ठीक है। हमारा जो कैमरा मैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो वो वाला तो हो नहीं सकता, तो क्या करता, तो मैंने जो है इसकी साइड वाली सारी की सारी आउटलाइनिंग कर दी है, ये वाली कलर की। अब रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, और येलो का आप देख सकते हो मेरे पास खाली हो गई ये वाली, बट मेरे पास एक और पैकेट पड़ा है, तो मैं सारा का सारा यूटिलाइज तो भाई मैंने करना ही करना है, मैंने सोचा हुआ है, ठीक है। ये कलर हो गया, अब मैं पिंक कलर यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने रेड भी कर लिया, येलो भी कर लिया, है ना, ब्लू भी कर लिया, है ना। तो मैं रेड, येलो और ब्लू को साइड रख लेती हूँ अब, या पर्पल या जो भी है कुछ भी है। और अब मेरे तीन कलर्स बचे हैं मेरे पास, एक पिंक है ये है, और साथ में व्हाइट वाला, ठीक है। तो मैं इसका कॉम्बिनेशन सा कुछ बनाती हूँ, तो जैसे येलो वाले के साथ ना पिंक अच्छा लगेगा, तो मैं पिंक करती हूँ, ठीक है।
मैंने जो पिंक वाली आउटलाइनिंग है वो वाली भी कवर अप कर ली है, मतलब पिंक कलर भी हो गया, तो हम लोगों के पास दो बचे हैं ना, ग्रीन और वाइट। अब मुझे लगता है कि मुझे इसमें ना वाइट बीच में इंक्लूड कर देना चाहिए पहले, फिर उसके बाद में मैं ग्रीन का करती हूँ, है ना। पहले मैं व्हाइट वाला सारा पोर्शन कर देती हूँ इस तरह से, फिर ग्रीन कर देती हूँ, वो सारे कलर हमारे कंबाइन हो जाएंगे और पिंक भी हमारे पास अब खाली होने वाला है, और नेक्स्ट वाला मैं उसमें फिल कर लूंगी जो नेक्स्ट वाले यहाँ पास कलर्स पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ओवरऑल बहुत ही बड़ी वाली और सुंदर सी बनानी है, ठीक है। आगे आगे करते 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 जाएंगे, लेट्स सी ये कैसी वाली बनती है, ठीक है। अभी आउटलाइनिंग में कवर अप करूंगी, फिर उसके बाद में आपको और शो करती हूँ, राइट। ये सारी रंगोली कंप्लीट तो अभी नहीं की, मैंने और भी कुछ करना है इसके अराउंड। मैंने व्हाइट और ग्रीन से सारा का सारा कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब एक वो ना काफी ज्यादा थोड़ी भूख भी लग गई है, थोड़ी प्यास भी लग गई है, तो मैंने थोड़ा सा सामान अपने साथ इकट्ठा कर लिया है, मैं ऊपर से लेके आ गई हूँ। तो ऐसे करती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा कैमरा को सेट कर लेती हूँ, ठीक है। के बाद में मैं आपसे अब बात करती हूँ, ठीक है। ये देखो अब मैं लेके आ गई हूँ अपने साथ मेरा चॉकलेट्स वाला बॉक्स, और साथ में मैं लेके आ गई, उसको ध्यान से करना है खराब ना हो जाए, पानी, और साथ में दो कराची हलवा के। तो मुझे भूख लग गई, मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ पहले मैं ना जो कीवी वाला है कराची हलवा वो वाला ट्राई कर लेती हूँ, और क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है, अभी मैं क्या करूँ। अब मैं वैसे बहुत ज़्यादा भूखा हूँ इस मामले में, मैं काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह खाती रहती हूँ, तो इसलिए ये भाई मैंने हाथ वगैरह धो लिए थे पहले, मैं अब आपको तभी बता रही हूँ कि हाँ भी मैं खाने लगी हूँ इसको, ठीक है। और यार ये तो खुल नहीं ना रहा, तो उसके बाद मेरे को हो रहा है कि जल्दी खुल जाओ, मैं खा लूँ इसको। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल मैं इसको खाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग फिर से सोचते हैं कि इसका और क्या करें, ठीक है जी, और फिर उसके बाद दोबारा से मिलते हैं। ये सारे के सारे ना फिर से ना उसके बाद में यही बैंगल्स फिर से अरेंज कर दिया उसके साइड साइड पे, सिंपल उसी टेक्निक से हम लोग दोबारा से इसको कवर अप करेंगे। कैसे करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। फिर से हमने ना कौन सा कलर अब दो लेने हैं, हम देखो ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन कर लिया था, फिर पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन भी कर लिया था, बचा हमारे पास ब्लू और रेड। अब ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन करके ना सेम सिमिलर इसी तरह से हमें फ्लावर्स बनाने हैं। तो मैंने सारे के सारे देखो कलर्स फिर से दोबारा से फिल कर लिए हैं, तो यहाँ पर मैं अभी ये रखूंगी, और उसी तरह से सिमिलरली जैसे मैंने पहले किया था उसी तरह से मैं सेम इस बनाऊंगी है। ये देखो है ना, ये देखो, ठीक है, इसी तरह से मैं कंबाइन करके पूरा का पूरा बनाऊंगी, और फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग फिर से वही अपना जो उंगली मारने वाला सा काम होता था ऐसे ऐसे करके वही वाला हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला तो मैंने कंप्लीट कर लिया, इसके आर पार सारे के सारे ऐसे कर लिए। अब मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं, और ये जो येलो कलर है मेरे पास पड़ा हुआ, ये जो चूड़ी के अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर सारा का सारा हम लोग ना स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, और एक इसको शेड दे के फिर उसके बाद में हम लोग चेकआउट करेंगे कि कैसा लगता है, बिल्कुल नए टाइप का थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं सारा का सारा किस तरह का चलता है। पहले तो हम लोग इसको पहले फिल कर लेते हैं सारा का सारा, ये देखो इसी तरह से सारा का सारा फिल कर लेते हैं। ये चूड़ी से ये हो जाता है कि थोड़ा सा ना अंदर अंदर ही चीज रहती है, ज्यादा गंद नहीं मचता, है ना। जैसे अगर मैं पहली बार ये YouTube से मैंने देख के थोड़ा सा बीच वाला पार्ट बनाया, जस्ट इतना वाला है ना ये बीच वाला जो है, बाकी सारा मैंने खुद ही सोच सोच के कर लिया। तो ऐसे ही आप लोग भी खुद से कर सकते हो जब भी आपका मन करे, है ना। तो इसी तरह से मैंने अब ये सारे के सारे फिल कर लेने हैं, ठीक है। मैं ज्यादा अभी इसी की तरफ ध्यान दे रही हूँ ताकि पूरा कंप्लीट हो। मैंने सारा का सारा इसमें फिल कर लिया है, ठीक है, फिल बिल्कुल कर लिया, और देखो मेरी बहन भी मेरे साथ आके बैठ गई है अब यहाँ पर, तो हमने फिल तो कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो चूड़ियां हैं इसको बड़े ही पेशेंस से बड़े आराम से ना इसको मैं अलग से करूंगी, ठीक है, इसको मैं अलग से निकाल लूंगी यहाँ पर, हर एक चूड़ी को बहुत ही ज्यादा पेशेंस से, राइट। ये देखो अभी मेरे को राइट राइट कहने की आदत है, मैं पढ़ाती हूँ तो फिर टीचर को राइट राइट कहने की काफी ज्यादा आदत होती है, ठीक है। ये भी उतार ली हमने, फिर हमने ये वाली भी उतार ली,
फिर हमने ये लास्ट वाली भी उतार ली। फाइनली हमने सारी की सारी जो चूड़ियां हैं वो निकाल ली। अब मैं खुद का एक चीज करने जा रही हूँ, मैं देखती हूँ ट्राई करके कैसा होता है कि हम ना जैसे हमने पहले वाले में ऐसे ऐसे किया था, सिमिलरली हमने इस वाले में भी इसी तरह से, ये देखो। और एक काफी यूनिक सा और काफी अच्छा सा जा रहा है ये अभी तक तो। लेट्स सी ये क्या बनता है क्या नहीं बनता। हमने जस्ट एक एक वो डालनी है इसके अंदर, ठीक है, जस्ट इसी तरह से, ठीक है। बड़ा रफली सा करना है इसको ताकि हमें वैसा ना लगे कि हमने इस तरह से कुछ अलग सा किया है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद ना हम इसी वाले एक चीज को हम आगे लेके जाके कुछ और डिफरेंट सा भी करेंगे क्रिएट, क्योंकि अब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली हमें करना ही है। तो ये वाली शेड भी हमारे पास फिल्ड अप हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पर भी बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने चूड़ियां यहाँ पर भी कनेक्ट कर दूंगी सारी, जहां इसके जो क्राउन रीजन है मतलब इन दो फ्लावर्स के जो बीच वाला एरिया है उसको भी मैं वो कर दूंगी, ठीक है। पूरे के पूरे कंप्लीट आउट कर देती हूँ उसमें, पूरे के पूरे हमें फ्लारी फ्लारी सा लुक देना है, ठीक है। वन सेकेंड, ये देखो, ठीक है। तो मैंने सारी चूड़ियां कनेक्ट कर दी। अब मैं कोई भी दो कलर्स फिर से ले लूंगी और देखती हूँ कौन सा वाला कलर मुझे लेना है। अभी काफी हद तक बड़ी हो चुकी है और अब मैं जो दो कलर लूंगी, देखो, पिंक के साथ कोई भी जो चीज है वो नहीं कंप्लीट हुई है, तो मैं सोच रही हूँ पिंक और व्हाइट का अब करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इसको बिल्कुल साइड में इस तरह से भी कर दिया हुआ है इसको। फिर उसके बाद में अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फिर से ये चूड़ियां जो हैं इसकी ये वाली उठा लूंगी बीच में से, ठीक है। ये उठा के बिल्कुल चूड़ियां इसकी बड़े पेशेंस से उठानी है हमें इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा पेशेंस से। अभी दूर हो गई है थोड़ी क्योंकि मैं ये काफी ज्यादा अब बड़ी बन चुकी है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा इधर को शिफ्ट होना पड़ेगा, खुद ही खुद जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और यहां से मैं उठा लूंगी अब इसको, जैसे ये वाली चूड़ी भी कंप्लीट हो गई है, ये वाला भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है मेनली, अब मुझे इसको सारा का सारा फिर से वो शेडिंग वाला पोर्शन करना है, क्योंकि इसके अंदर हम अब वो वाला नहीं करेंगे, हम जस्ट वही वाला करेंगे दोबारा से रिपीट काम, ये वाला, ये देखो, ठीक है। हमने ये सारा का सारा इसी तरह से बस एक एक की उंगली डालनी होती है इसमें ताकि ये इजीली पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये इस तरह का पैटर्न जो है वो आपका कंप्लीट बन जाएगा इसमें, ठीक है। ये देखो, हर एक वाली साइड कर देना, मुझे हर एक साइड अराउंड घूम के जाना पड़ रहा है क्योंकि ये काफी बड़ी होगी हुई है अब, ठीक है। तो जब रात को दिए वगैरह लगेंगे तब वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी भी मेरे पास कई जो कलर्स हैं वो बचे हुए हैं और काफी थक गई हूं मैं यार। चलो कोई बात नहीं, एक दिन थकना तो बनता है ना। तो हमने इस तरह से कर लिया, ये देखो, ये वाला भी हो गया, ये देखो। अब इसको भी हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना है, ये देखो, ये सारे फ्लावर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने इसके अराउंड इस तरह से पूरा का पूरा किया था, कोई और हमें डिजाइन सोचना होगा, हमारे कलर्स इतने बचे हैं और उसी में वी हैव टू कंप्लीट द फुल थिंग। तो मैंने सोचा है कि इसके अराउंड ना हर एक कलर का हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ करके ना, वैसे फिर ही मेनली हमें पता चलेगा। पिंक लेते हैं और येलो लेते हैं, ठीक है। पिंक और येलो थोड़ा कम है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ रेड और ग्रीन भी है वैसे, पर ना रेड और हम लोग ना ग्रीन ले लेते हैं। नहीं, तो ग्रीन तो उसमें वैसे भी है यार, काफी कंफ्यूज होगी मैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने लगे हैं अभी, एक छोटे छोटे करके जो सर्कल्स हैं पहले रेड और येलो के हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। एक रेड का आएगा, एक येलो का आएगा, इस तरह से हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लेना है, येलो रेड, ठीक है। येलो येलो हमें थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है क्योंकि आपको पता है हमारे पास येलो थोड़ा कम है, ठीक है। और जितना हमारे पास है उतने में हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, वरना डांट बड़ी बुरी लगेगी हम लोगों को। हम लोगों को नहीं, मुझे सरफ लगेगी, ठीक है।
और मुझे इस तरह से बुरा का बुरा कंप्लीट कर लेना है इसको, और आई थिंक वह मुझे कैमरा वहाँ पर सेट कर लेना चाहिए, तो मैं कैमरा जो है अपनी तरफ सेट कर लेती हूँ। अब मैं आपको साथ में दिखाऊंगी ऊपर से कितनी अच्छी दिख रही है ये रंगोली वैसे अभी, तो अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि अब मैं आप लोगों से भी बात कर पाऊँ और देख सकते हैं कि हम बना रहे हैं रंगोली। यार मुझे भूख भी बहुत लगी है, पहले ऐसे करते हैं पानी पी लेते, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। इसको मैंने कंप्लीट करना है पहले, और इसका मैंने ना एक और चीज सोची है कि जैसे हमने पहले अंदर को इस तरह से किए थे, हमने बाहर को इस तरह से इसका करना है कंप्लीट। ठीक है, मेरे पास येलो कलर काफी कम हो जाएगा तब तक, पर मुझे लगता है शायद ये कंप्लीट हो ही जाएगा। रेड और येलो काफी ज्यादा सुंदर से कलर लगते हैं, है ना? आप लोग घर पे इसको जरूर ट्राई करना एक बारी, इट्स वेरी वेरी सिंपल। बिकॉज मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर मैं बना सकती हूँ ना तो इसको कोई और भी बना सकता है, इट्स वेरी वेरी सिंपल हुआ है। और मैं आपको यही राय दूंगी कि भाई अपने लोअर में पजामू में ही बनाइए, क्योंकि ज्यादा त्याग की रूप में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके कपड़े खराब होने हैं ऐसे, क्योंकि कोई ना कोई तो नीचे लग ही जाता है कुछ ना कुछ, है ना? तो हमने क्या करना है, हमने कोई इन चक्करों में नहीं पड़ना, तैयार होने वाले टाइम तैयार भी हो जाएंगे शाम को, ठीक है, बट इस वाले टाइम पे जस्ट हमने अपनी रंगोली पे ध्यान देना है। अगर आपको रंगोली इतनी सुंदर बनानी है तो आप उसी पे ध्यान देना होगा। ठीक है जी, ये देखो अब बस इसके वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है। अंदर मेरी जो सिस्टर है वो भी बना रही है, मैं आपको उसका भी एक चक्कर लगवा तो दूसरी को किस तरह से बना रही है, क्या बना रही है। मुझे लगता है बाहर कोई आया है, मुझे लगता है अपने ही लोग घर पे आए हैं और साथ में गिफ्ट वापस ले आए हैं। क्यों? अच्छा गिफ्ट ले गई है, देखिए। ओके 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 ओके, चलो जो भी है हमने कर। ओ ये देखिए मेरी सिस्टर बीच में आई थी, हेलो कर दो। हेलो अब इसकी जो उसने रंगोली बनाई मैं उसकी भी बता दूंगी आप लोगों को कि किस कैसी रंगोली बनाई है इसने भी। येलो कलर है, ले ले इसको येलो कलर दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत देर से इसकी नजर है मेरे येलो कलर पे। और मैंने इसको अब क्या करना है, इसको बाहर बाहर कर देना है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जैसे पहले अंदर को इस डिजाइन को किया था, अब हमने इसी डिजाइन को बाहर बाहर कर देना है। और मैं आपको अब खड़े होकर दिखाऊंगी कि ये किस तरह से हो रहा है, ये अंदर बाहर बाहर वाला जो है। ठीक है, ये मैंने इस तरह से तो कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको ना ऊपर से इसका पूरा का पूरा लुक पहले दिखाती हूँ कि ये ऊपर से कैसा हुआ है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा और भी इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखो इस तरह से, इस तरह से बाहर कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपनी बहन के पास और मैं आपको बताती हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या चीज कर रही है, क्या बनाया है उसने। मैं आपको वो चीज लेके जाती हूँ। तो रही मेरी बहन, तो ये बना रही है, इसने बहुत अच्छा सा बना रही है। वैसे देखो कुछ पहली बार इसने ट्राई किया है बट इसने काफी अच्छा सा है। और अब मैं देखो काफी ज्यादा वैसे थक चुकी हूँ बट मैं अपने जो कलर्स हैं उसको पूरा फिल आउट तो करूंगी करूंगी, बिकॉज मैंने सोच लिया कि मैंने करके रहने पूरे अपने कलर्स खत्म। ठीक है, और जब आप रंगोली बनाओ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि आपको ना थोड़ा घूमते रहना भी चाहिए। क्यों घूमते रहना चाहिए? क्योंकि यार कमर दर्द हो जाती है। ठीक है, कमर भी दर्द हो जाती है और साथ में बैठ बैठ के लाते भी बस हो जाते। अभी वो तो मेरी बहन तो कब से घूम ही जा रही है, आप देखो उसको, ये देखो कब से घूमने को ही लगे हैं। और उसकी अब नजर है गिफ्ट पे कि इस गिफ्ट में आखिर क्या है। गिफ्ट हमें मिला है क्या? Yes. किसने दिया है ये गिफ्ट? पड़ोसियों ने। चलो जी, ये गिफ्ट हमें दिया है पड़ोसियों ने। ठीक है, तो उसकी नजर भी हमारी, वो कह रही है कि इसमें शायद बाउल सेट है।
चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। पहले अपनी अब रंगोली कंप्लीट कर ले, रंगोली का है ये मेन, ठीक है। अब मैं रंगोली और कंप्लीट करती हूँ और मैं बताती हूँ आपको फिर किस तरह से लास्ट में मैंने क्या क्या किया है। अब तुमको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली मैं करूँ और क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा वैसे, पर भूख भी बहुत ज्यादा लगी है मुझे। मुझे ना एक्चुअली लग रहा है कुछ नमकीन खाना चाहिए, मीठा मीठा तो बहुत ज्यादा हो गया, दिवाली में बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं, है ना, तो वो लग रहा है मुझे इस टाइम पे। तो ये तो कंप्लीट हो गया, पर मैं सोच रही हूँ कि इसकी डबल डबल लाइनिंग ही कर देती हूँ सारी की सारी, तो इसको कंप्लीट आउट पूरा हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अभी कंप्लीट करके फिर उसके बाद आउटलाइनिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ फुल ऑन की क्या बन रहा है हमारा, क्या बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो मैं आपको सब कुछ शो कर दूंगी, सो बाय, अभी दिखाती हूँ। सो हमारी जो रंगोली है वो फुली कंप्लीट हो चुकी है और ये काफी सुंदर लग रही है, और जब रात को इसमें दिए वगैरह जलाएंगे तो तब भी मैं आपको इसकी इसका बता दूंगी कि किस तरह से ये लग रही है। और मुझे तो भाई काफी सुंदर लग रही है क्योंकि मैंने बनाई है, तो ऑब्वियसली मुझे तो सुंदर लगेगी। आपको कैसी लगी आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और काफी मेहनत लगी है इसमें, अब मैंने डबल लाइनिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी लास्ट में। सो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ये रंगोली जो हमारी है वो कंप्लीट हो गई फुली। सो इसको अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप किसी भी ओकेजन पे ट्राई कर सकते हो। सो डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।